من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. देखिए इस आयत पाक का तर्जमा आपके सामने हो चुका है. बात यहाँ पर चल रही थी कि अल्लाह ताला ने इस आयत पाक के अंदर एक कानूनी और उसूली चीज़ ये बतलाई कि कुरान पाक के अंदर कुछ आयतें मुहकम हैं और कुछ आयतें मुतशाबे हैं. मुहकम का मतलब और उसकी वजाहत पिछले हफ्ते आपके सामने आ चुकी कि जिसका माना बिला किसी तरद्दुद के समझ में आ जाए, जो अरबी ज़बान का वाकिफ़ और शरीयत का माहिर हो, या थोड़े से गौर व फिक्र के बाद जिन आयतों का मतलब समझ में आ जाए उन आयतों को मुहकम कहा जाता है. मिसालों के ज़रिए आपके सामने उसकी वजाहत कर दी गई थी. मुतशाबेह वो आयतें हैं जो अहले ज़बान अरबियत के माहिर और इल्मे शरीयत के माहिर शख्स भी न समझ सकें जिसके माने को, उन आयतों को मुतशाबेह आयतें कहा जाता है. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उन आयतों को मुतशाबेह आयत कहा जाता है. फिर उसकी मिसाल आपके सामने दी गई, जैसे कुरान पाक में सूरतों के शुरू में हुरूफ मुकत्तात जो हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, हा मीम, तौसीन, यासीन, तौहा, ये सब मुतशाबेह आयतें हैं. इनका मतलब पूरी उम्मत में किसी को भी नहीं मालूम है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म दिया गया था तो ये अल्लाह और आपके दरमियान एक राज है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका इल्म किसी को दिया नहीं, बतलाया नहीं. इसी किस्म की और भी कुछ आयतें हैं जो मुतशाबे हैं, जिनका इल्म अल्लाह के नबी या जो अल्लाह के खुसूसी बंदे हैं अल्लाह ने उनको बतौर इल्म लदुन्नी अपने तरफ से दे दिया तो वो और बात, वरना उमूमी तौर पर उसका इल्म किसी को भी नहीं है. ये है मुतशाबे आयतें. अब ये आयत असल में नाजिल हुई है, दर हकीकत मैंने बतलाया था, नजरान से आए हुए ईसाइयों के वाकये के सिलसिले में. एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईसाइयों का आया था और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा के बेटे होने की दलीलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी थी. अकीदे तसलीस ये आयात दर हकीकत उनके जवाब में नाजिल हुई. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वो सिफतें जो किसी बंदों के अंदर नहीं पाई जा सकती, उन सिफतों को उनके सामने रखकर और उसका इकरार करा लिया कि क्या तुम मानते हो कि नहीं मानते कि ये चीज़ें हजरत ईसा के अंदर नहीं हैं, तो उन्होंने उसका इकरार कर लिया. अब जब वहदानियत साबित हो गई तो अकीदे तसलीस
खुद बखुद बातिल हो गया। तो उन्होंने एतराज़ किया, फिर एक शुबा किया कि अच्छा ये बतलाइए कुरान पाक में खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल हुए हैं जो अल्लाह या अल्लाह के बेटे के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने कुरान पाक की आयत कलिमतुल्लाह व रूहुम मिन, ईसा अल्लाह के कलिमे हैं और अल्लाह की रूह हैं, इसका क्या मतलब है? फिर इसके जवाब में ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई कि देखिए ये दो जुमले तुम्हें कुरान पाक में मिल गए पूरे, और इससे तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत या अल्लाह के बेटे होने की दलील पेश करना चाहते हो तो कुरान पाक में जहाँ ये आयत है वहीं पर ये हुआ इन हुआ इल्ला अब्दुल अनामना अलैह, नहीं है वो मगर अल्लाह के बंदे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया कि उनको नबुव्वत अता की और ख़ास ख़ास मोजज़े अता की। कितनी खुली आयत है कि नहीं है वो मगर अल्लाह के बंदे, वो रूह तो नज़र आ गया, ये बंदे वाला जुमला नहीं नज़र आया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह कमसली आदम खलकहू मिन तुराब, ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक ऐसी जैसे आदम, उनको पैदा किया अल्लाह ने मिट्टी से, जब आदम मिट्टी से पैदा हुई और ईसा उन्हीं जैसे तो ईसा की भी पैदाइश मिट्टी से, अब खुदा कहाँ रह गए। तो ऐसी बहुत सारी आयतें हैं कुरान पाक के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ कलीमतुल्लाह और रूहुम मिन ये दो जुमले ये अल्लाह फरमा रहे मुतशाबेहात में से हैं। इन दोनों जुमलों का हकीकी माना और मतलब क्या है ये अल्लाह ही के इल्म में है, लिहाजा इन दोनों जुमलों को छोड़ दो, उन दूसरी आयात पर दूसरी आयात को नज़र रख कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बंदे होने का और अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक होने का इकरार करो, जिन आयात से पता चलता है। अब कोई इन्हीं दो जुमलों को ले ले और उसकी खोज क्रेज के अंदर लगेगा, दूसरी आयतों से बिल्कुल नज़र हटा लेगा, तो फिर ये मुतशाबे आयतों के अंदर खोज क्रेज करने की बिना पर गुनहगार तो होगा ही और प्लस उसके लिए गुमराही का रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। क्योंकि ये बार बार बात आ चुकी कि मुतशाबेहात का इल्म उम्मत में किसी को नहीं दिया गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ जी। अब ये बात तो हो गई कि कुछ आयतें मोहकम हैं, कुछ मुतशाबे हैं। मोहकमात का तर्जमा अहले इल्म और अरबी ज़बान के माहिर जान सकते हैं, मुतशाबेहात का इल्म किसी को नहीं है। अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातु। अलिफ लाम रा ये तो हुरूफ़ मुक़त्तआत, इसका तर्जमा कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी किताब है जिसकी तमाम आयतें मोहकम हैं, कुरान की आयत है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किताबम मुतशाबिहा, ये एक ऐसी किताब है जो पूरी की पूरी मुतशाबे है। और इधर अल्लाह ये फरमा रहा है कि बाज आयतें मुहकम हैं और बाज आयतें मुतशाबे हैं। समझ में आया टकराव? एक आयत बतला रही कुरान की सारी आयतें मुहकम, दूसरी आयत बतला रही है पूरा कुरान मुतशाबे, और तीसरी आयत ये बतला रही है कि बाज आयतें मुहकम हैं बाज मुतशाबे हैं। अब क्या मतलब हुआ? असल में जिस आयत के अंदर ये फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि पूरा का पूरा कुरान मुहकम है, कोई आयत उसकी मुतशाबे नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह बरहक है, वो कैसे? मानी के फसाद, यानी कहीं पर कोई ऐसा जुमला कुरान पाक में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है जो माने के एतबार से गड़बड़ हो, कोई जुमला ऐसा नहीं इस्तेमाल हुआ है। वरना और अरबी की किताबों को आप देखेंगे कोई ना कोई जुमला ऐसा मिल ही जाएगा उसके अंदर जो माने के एतबार से बहुत टेढ़ा हो, बहुत गड़बड़ हो।
लेकिन पूरे कुरान पाक में माने के एतबार से, फसादे माने के एतबार से कोई जुमला है ही नहीं। कोई आज तक नहीं तलाश कर सका कि कोई ऐसा जुमला हो जो फसादे माना पैदा करता हो। इस एतबार से, फसादे माना के एतबार से पूरा का पूरा का कुरान मोहकम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और पूरा का पूरा कुरान मुतशाबे अपने हुस्न, अपने कमाले माने के एतबार से आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबी ग्रामर के एतबार से जो हुस्न रखा है कोई किताब उसका मुकाबला कर सके। अरबियत का कोई माहिर शनास शख्स उसका मुकाबला कर सके। और अपने कमाल दर्जे की अरबियत के अंदर कोई आज तक इसका मुकाबला नहीं कर सका। एक एक लफ्ज की तशरीह आज से 1400 साल पहले से हो रही और अब तक हो रही है, कयामत तक होती रहेगी, कोई पूरी नहीं कर सका। अपने हुस्ने माने और अपने कमाल के अंदर ये कलाम ऐसा है कि मुतशाबे है बिल्कुल। समझ में आ रही? कोई उसकी हकीकी मुराद को पूरे तौर पर ना पा सका, ना कयामत तक पा सकेगा। इस एतबार से कुरान पाक को पूरा का पूरा मुतशाबे कहा गया है। और रही बात, बाज आयतें मोहकम है और बाज आयतें मुतशाबे, ये बिल्कुल खुला हुआ तर्जमा है कि बाज आयतों का मतलब और माना बिल्कुल सुनते ही समझ में आ जाता है या कुछ गौर व फिक्र के बाद, और बाज आयतें मुतशाबे हैं उनका माना किसी को समझ में ही नहीं आता। ये है बाज के मोहकम और बाज के मुतशाबे होने का मतलब। समझ में आ गई बात? अब देखिए, इस वजाहत के बाद अल्लाह ने एक उसूल बतला दिया कि मुतशाबेह जो आयते हैं उनके अंदर खोद कुरेद ये इंसानी चीज नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता, आप देखिए, फामल्लदीना, पस बहरहाल वो लोग, फी कुलूबिहिम, जिनके दिलों के अंदर ज़ैगुन, कजी है, टेढ़ापन है, वो क्या करते हैं, फयत्तबियूना मा तशाबहा, तो वो पीछे पड़ते हैं उन्हीं आयतों के जो मुतशाबे हैं। हाँ, क्यों? इब्तिगा अल फितना, उम्मत को फितने में मुब्तिला करने के लिए, शक और शुबे में मुब्तिला करने के लिए, कश्मकश में मुब्तिला करने के लिए। वो क्या? इस तलाश में, फितने की तलाश में वो मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ते हैं। वब्तिगा तावीली, और वो पीछे पड़ते हैं मुतशाबे आयतों की ताकि वो उन आयतों का अपने नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक तर्जमा करें, अपने मजहब के मुताबिक तर्जमा करें, अपनी मुराद के मुताबिक तर्जमा करें। वब्तिगा तावीली, इसलिए मुतशाबे के पीछे पड़ते हैं कुछ लोग। अल्लाह फरमाता, वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह, वमा यालम, हालांकि नहीं जानता है तअवीलहु, उस आयत की तावील, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई और। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो लोग इल्म के अंदर बिल्कुल पुख्ता हैं, रासिख हैं, कमाल दर्जे का इल्म रखने वाले हैं, यकूलूना, वो कहते हैं, आमन्ना बिह, हम इस मुतशाबे आयत पर भी बगैर खोज की रेत किए हुए, बगैर उसके माने के पीछे पड़े हुए, आमन्ना भी, हू बहू जैसा है वैसे ही ईमान ले आए कि ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। बस अल्लाह का मतलब, अल्लाह की मर्जी, कि अल्लाह ने हमारे हक में कुछ आयतों का मतलब वाजे करना चाहा, उसको वाजे कर दिया, और कुछ आयतों का मतलब वाजे नहीं करना चाहा, नहीं किया, इसी में हमारे लिए मसलियत, अलहदा आमन्ना भी, हम ईमान ले आए। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये सब हमारे रब की जानिब से है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते इससे मगर अकलमंद लोग। क्या बतलाया गया इस आयत पाक के अंदर? अल्लाह ने ये बतलाया कि कुछ लोग सलीमुल फितरत होते हैं, सहीहुल फितरत होते हैं, नेक तबीयत होते हैं। अब समझ में आ गया होगा सलीमुल फितरत का तर्जमा, अच्छे मिजाज और अच्छी आदत के लोग होते हैं इल्मी एतबार से,
और अमली एतबार से, तो उनका काम क्या होता है? जो मुतशाबे आयतें हैं ना, जिस तरीके पर मोहकम पर उनका ईमान होता है, उसी तरीके से मुतशाबे पर भी वो ईमान ले आते हैं कि अल्लाह की आयत का उतारी हुई है, बस हमें इसके उसमें कुछ खोज कुरेद नहीं करना, हम ईमान ले आते हैं। और दूसरा, अल्लाह ने फरमाया कि कुछ लोगों के मिजाज में ही कजी होती है, सही उल फितरत नहीं होते, उनकी आदत क्या होती है मोहकम साइट में, जो काम लायक जो आयतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, उसकी तशरीहात और उसकी तौजीहात नहीं करेंगे, उसके बारे में लोगों को नहीं बतलाएंगे, मुतशाबे के पीछे पड़ेंगे और उसमें से नई नई चीजें निकालेंगे और लोगों को शक और शुबे और फितने में मुब्तिला करेंगे। ऐसे लोगों के बारे में हदीस पाक के अंदर बड़ी सख्त वईद आई है। तो कुरान की वईद आपने सुनी लिया, अल्लाह ने उनको कहा कि ऐसे लोगों के मिजाज में कजी है, टेढ़ापन है। जिनके मिजाज को अल्लाह कज और टेढ़ापन कह दे, अब उसके बारे में क्या रह गया? हदीस पाक के अंदर भी बड़े सख्त वईद आई ऐसे काम करने वालों के बारे में। चुनांचे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, फरमाती कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत पाक की तिलावत फरमाई, वल्लज़ी अंज़ला से लेके पूरी आयत पढ़ी, और पढ़ने के बाद फरमाया, आयशा एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम कुछ ऐसे लोगों को देखोगे जो मुतशाबेह आयतों के पीछे पड़ेंगे कुरान पाक में। अगर तुम ऐसे लोगों को देखना तो समझ लेना ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने इस आयत के अंदर तज़किरा किया है, उनसे एहतियात बरतना, दूर भागना, उनकी बातों को सुनना नहीं, वरना वो गुमराही में मुब्तिला करेंगे। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों के अंदर हजरत आयशा की ये रिवायत मौजूद है। इसी तरीके से हजरत अबू मालिक अशारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर तीन बातों का खौफ है, कि वो तीन बातें उसे तबाही और हलाकत में मुब्तिला करेंगी। नंबर एक, माल और दौलत ज्यादा मिल जाएगी तो क्या होगा? आपस में एक दूसरे से हसद करने लगेंगे, और उसी माल और दौलत की बिना पर, उसी माल की बिना पर आपस में एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज ये फरमाई कि मेरी उम्मत हलाकत और तबाही में मुब्तिला होगी, मुझे खौफ है कि कुरान पाक खोल कर बैठ जाएंगे वो, यानी एक आम आदमी और एक जाहिल भी सिर्फ तर्जमा समझकर कुरान पाक का माहिर समझने लगेगा। आज ऐसे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर पैदा हो रहे हैं जिनको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, जिनको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। अगर कुरान पाक का तर्जमा अरबी के बाद किसी जबान में हुआ है तो फारसी, फारसी के बाद अगर इल्मे शरीयत किसी जबान में ज्यादा इस वक्त हुई है तो वह है उर्दू जबान। उनको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता लेकिन वो माहिर कुरान है, चैनलों पर आकर कुरान पाक की तफसीरें कर रहे हैं, मनमानी तफसीर, मनमानी तौजी, अल्लाह की पनाह, ऐसे ऐसे तर्जमे, अल्लाह ही खैर करे। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि कुरान खुल जाएगा उनके सामने, और हर आम आदमी कुरान पाक का तर्जमा करके कुरान पाक का माहिर बनने लगेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया और वो मुतशाबे आयतों की तावीलें करेंगे, तरह तरह के तर्जमे उसके करेंगे, इसका भी खतरा है मुझे अपनी उम्मत के बारे में। और तीसरा, वो शख्स, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, तीसरा शख्स वो होगा कि जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म देगा और इल्म को बजाय बढ़ाने के भरोसा करके उसके कम करने के चक्कर में पड़ेंगे। यानी कुछ इल्म आ गया, सोचेंगे मैं तो बहुत बड़ा अल्लामा बन गया, अब आगे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उसी पे तकिया और भरोसा करके बैठ जाएंगे। ये तीन किस्म के लोग, उनमें एक मुतशाबे आयतों के अंदर तावील करने वाला भी दाखिल है। इसी तरीके से सुनने दारमी हदीस की किताब है, उसके अंदर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाकया नकल किया है। हजरत उमर का फरमान है कि अन करीब तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो मुतशाबे हाते कुरान में से तुमसे झगड़ेंगे,
लिहाजा क्या करना, तुम सुन्नत रसूल से उनकी पकड़ करना, यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत को थामे रहना, उनके चक्कर में ना आना। सुनने दारमी के अंदर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हम लोग हजरत उमर के पास बैठे हुए थे, एक शख्स आया और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कुरान पाक के बारे में ये सवाल किया कि उमर ये बतलाओ कुरान अल्लाह की मखलूक है अल्लाह का कलाम, अल्लाह की मखलूक है अल्लाह का कलाम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि हजरत उमर ने जब ये जुमला सुना उसके मुंह से तो उठकर उसके कपड़े से बिल्कुल चिमट गए जाकर, और उसको खींचते हुए वहां से हजरत अली के पास ले गए। अब फरमाया अली देख ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है नालायक कि कुरान अल्लाह की मखलूक है कि अल्लाह का कलाम, ये पहले इसने कुरान पाक के बाद में ये बात कही है। हजरत अली ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन बहुत जल्द इसका बुरा नतीजा भी उम्मत के अंदर जाहिर होगा। एक जमाना आया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का जो जमाना था वो यही था, पूरी हुकूमत एक तरफ थी, इमाम अहमद बिन हम्बल एक तरफ थे, वो फिरका जो पैदा हुआ वो कुरान को अल्लाह की मखलूक कहता था और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है। कितने सालों तक जेल, इमाम अहमद का जनाजा कहां से उठा, जेल से उठा, सिर्फ इसीलिए कि वो कुरान को अल्लाह का कलाम कहते थे, हुकूमत एक तरफ थी उन नालायकों के साथ कि वो कुरान को अल्लाह का मखलूक कहती थी, इसी तरफ इशारा किया था हजरत अली ने। अमीरुल मोमिनीन इसका बुरा नतीजा भी जाहिर होगा। फिर फरमाया हजरत अली ने कि अमीरुल मोमिनीन अगर मैं इस वक्त आपकी जगह पर होता तो इसकी गर्दन फौरन मार देता। समझ में आई बात। इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है सुनन दारमी के अंदर, तफसीर मदरी के अंदर साहिब तफसीर मदरी ने नकल किया है कि एक शख्स मदीने आया बसरा से जिसका नाम था सबीर, उसने मुतशाबेहाते कुरान यानी वो आयतें जो मुतशाबे, उसके बारे में मदीने में लोगों से सवाल शुरू किया। हजरत उमर को पता चला का ले आओ, पकड़ के ले आए। आने से पहले हजरत उमर ने खजूर की लकड़ी जो होती है ना, खजूर की टहनी तर एकदम भीगी हुई, वो छिलवा कर मंगवा ली। और जब वहां पहुंचा तो ले पड़ी ले पड़ी ले पड़ी सर पर जमाना शुरू किया, खून आलूद कर दिया उसके सर को। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन बस बस मेरे सर में जो खन्नास बसा था ना वो बस निकल गया। कहने लगे कौन है तू, कहे अल्लाह का बंदा सभी हूँ। कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा उमर हूँ। खूब कटाई की उसकी और फिर बसरे में ऐलान करवाया कि जब ये वापस जाए तो इसके पास कोई बैठे उठेगा नहीं, कोई खाने पीने को नहीं देगा, इसको किसी किस्म का कोई मुआवजा कहीं से नहीं दिया जाएगा। इतनी सख्ती बरती है अमीरुल मोमिनीन और हजरत साहबा ने ऐसे काम करने वालों के लिए। क्यों? क्योंकि ये कुरान पाक और अल्लाह के कलाम के साथ एक मजाक है और उम्मत को फितने में मुब्तिला करने वाली चीज है। अगर ये फितने में मुब्तिला करने वाली चीज ना होती तो इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने में कैसे वाकया हुआ? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी जानिब अपने जमाने में भी इशारा कर दिया था और हजरत साहबा ने बड़ी सख्ती बरती ऐसे लोगों के बारे में। तो इस किस्म के लोग पैदा होंगे, खुद कुरान पर कह रहा है कि कुछ तो सलीमुल फितरत होंगे और कुछ खबीसुल फितरत होंगे, जो कुरान पाक के मुतशाबे आयतों के अंदर खोद क्यूरेज करेंगे, लिहाजा उनसे अपने आप को दूर रखना। समझ में आई बात? जी हाँ। अब देखिए अल्लाह फरमाता वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख लोग हैं। अब रासिखीन फिल इल्म में कौन लोग हैं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। जुमहूर उम्मत का ये कहना है अहलुस सुन्नह वल जमा, जो तबका है यही रासिख फिल इल्म है, जो जिसकी आदत और तौर तरीका ये है कुरान पाक के बारे में कि कुरान पाक के मानी और मतलब सिर्फ उसी मतलब और माने को सही समझता है ये तबका, जो सहाबा ताबईन तबे ताबईन सलफ़े सालिहीन और अइम्मा से मनकूल होता चला आया है तर्जमा और तशरीह और तफसीर। समझ में आई बात? ये तबका इन्हीं मतलब को लेता है और कुरान पाक की मुहकमात ही से बहस करता है, मुतशाबे आयतों के पीछे नहीं पड़ता, अल्लाह आलम भी मुराद ही कहकर अलग हो जाता है। इसी तरीके से इस फितरत इस तबके की खास खसूसियत यह है
कि अल्लाह ने इल्म बहुत दिया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कितने गहरे इल्म के माहिर, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह बड़े बड़े माहिरीन फर्द, लेकिन कुरान पाक की जहां मुतशाबे आयतों का मतलब आया वहां पर उन लोगों ने यही कहा अल्लाह आलम भी मुरादी। अपने इल्म पर गुरूर नहीं किया कि उसके अंदर घुसने की कोशिश करें। समझ में आई बात? जी हाँ। और इसी तरीके से एक रिवायत भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत अबू दर्दा रावी हैं, तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रासिखीन फिल इल्म जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग जो कसम के पूरे उतरने वाले हैं, कसम खा लें तो उसको पूरी करते हैं, और जबान के सच्चे हैं, इस्तकामत कल्बी रखने वाले हैं, और इसी तरीके से अपने पेट और अपनी शर्मगाह को हराम चीजों से महफूज रखने वाले हैं, ये हैं रासिखीन फिल इल्म। तो अल्लाह ने फरमाया वर रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख लोग हैं, यकूलून आमन्ना भी, वो कहते हैं कि हम इन आयतों पर ईमान ले आए, कुल्लुन हर हर आयत, मिन इंद रब्बिना हमारे परवरदिगार की तरफ से है, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब, और नहीं नसीहत हासिल करते इससे मगर अकले वाले ही। अगली आयत इंशाअल्लाह कल रखी जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह हमें कुरान पाक की सही समझ नसीब फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।